नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। आज मैं आपको बताने जाऊंगा बोट रॉकर्स 560 का कंप्लीट रिव्यू। तो ये बॉक्स मैंने फ्लिपकार्ट से परचेस किया था, जो मैंने 1760 रुपीज़ से परचेस किया था एंड ये इसी तरह से पैक होके आया है। तो चलिए इसको कट करते हैं। सो, बॉक्स के अंदर है ये बोट का एक ये बिल आता है, फिर बोट के एक बॉक्स में हेडफोन पैक होके आता है। तो ये सिक्योरिटी का अच्छे से ध्यान रखता है फ्लिपकार्ट, ताकि आपके हेडफोन्स को कोई दिक्कत ना हो, लाइक कोई जगह स्क्रैच ना हो। एंड ये है बोट का ओरिजिनल कवर जिसमें ये हेडफोन पैक होके आया है। नीचे लिखा है रॉकर्स का वो लोगो, ये साइड लोगो है जिसमें थोड़ा स्पेसिफिकेशंस वगैरह मेंशन किया गया है। एंड साइड में हमारा हेडफोन दिखाई दे रहा है। एंड ये पीछे इसके कुछ फीचर्स के बारे में दिखाया गया है, जैसे कि इसके ड्राइवर्स, इसके बैटरी कैपेसिटी एंड अदर। मुझे ये हेडफोन बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसके बैटरी 400 mAh की है, 10 मीटर के डिस्टेंस तक कनेक्टिविटी रहता है। एंड पैकेजिंग वगैरह में भी अच्छा है, इसके कुशंस वगैरह सब कुछ अच्छे थे। एंड मैंने बहुत सारे रिव्यूज़ भी देखे थे कि ये हेडफोन्स बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने परचेस कर लिया था। इसका एक और मॉडल भी है बोट रॉकर्स 550, वो वाला भी अच्छा है, लाइक मैं वो उसके बारे में भी आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में। तो मैंने ये बोट का हेडफोन निकाल लिया, तो ये कुछ इस तरह से आता है। आउटर स्टैंड लुक्स में बहुत अच्छा है, लाइक ब्लैक कलर का है। इसमें मेरा थोड़ा स्क्रैचेस वगैरह है, मैंने तो आपके सामने ही खोला, ये फ्लिपकार्ट के एंड से कुछ हुआ है, आई थिंक मुझे कंप्लेन करना चाहिए। तो हेडफोन का क्वालिटी भी बहुत अच्छा दिख रहा है, लाइक लेदर। चलिए देखते हैं बॉक्स के अंदर है कुछ एक्सेसरीज। एंड मुझे लगता है इसके साथ ऑक्स केबल एंड चार्जर दिया गया होगा। इसे फोल्ड हो सकता है, लाइक हेडफोन बहुत अच्छे से फोल्ड हो रहा है, बट स्टिल इसका कुछ इश्यू हो रहा है, लाइक पूरा हैंडी नहीं है। ये है इसका चार्जर एंड ये ऑक्स केबल, और उसके साथ कुछ मैनुअल्स है। इस पे एक QR कोड दिया है, उसको स्कैन करने के बाद आपको 1 साल का वारंटी मिल जाएगा। एंड और कुछ बुकलेट्स है जिसमें उन्होंने कुछ अपने बोट के प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ किया है। तो देखिए इसकी है हमारे साउंड जो रिम होते हैं, इसका लेदर बहुत अच्छा है। ऊपर का हेड में भी वही लेदर यूज़ किया गया है, बट इतना सॉफ्ट नहीं है कंपेयर टू बोट रॉकर्स 550 की तरह। साइड वाले में एक स्टील का दिया गया है आपके हेड सपोर्ट के लिए, एंड ऊपर पूरा प्लास्टिक का मटेरियल है। एंड साइड में भी एक साइड में उसने अपने ब्रांडिंग किया गया है, एंड दूसरे साइड में कंट्रोल्स वगैरह सब कुछ है, जिसमें आपको ऑडियो कंट्रोल एंड साउंड अप एंड डाउन, पॉज बटन एंड पावर ऑन ऑफ बटन आ जाता है। नीचे की तरह चार्जिंग एंड ऑक्स केबल का सपोर्ट दिया गया है, आप वहां से कनेक्टिविटी कर सकते हैं। तो पकड़ने पर काफ़ी अच्छा लगता है, बट इसमें फोल्डिंग मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा, लाइक स्टिल मतलब कुछ बल्की बल्की टाइप लगता है। तो मेरे हिसाब से ये हेडफोन काफ़ी अच्छा है, इसके साउंड्स भी बहुत अच्छे हैं, बट कानों में अच्छे से फिट नहीं होता है, लाइक ओवर द ईयर है स्टिल बीच बीच में ही रहता है। बट बोट रॉकर्स 550 काफ़ी अच्छा है, वो आपके कानों में आराम से आ जाएगा, चूँकि अभी अमेज़ॉन पे अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए मैंने ये फ्लिपकार्ट से परचेस किया था। बट स्टिल सेल के कारण मुझे लगता है कुछ स्क्रैच प्रोडक्ट मुझे मिल गया है, जो कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लाइक न्यू प्रोडक्ट लिया है एंड उसमें भी स्क्रैचेस है। तो पता नहीं मैं अब इसको रिप्लेस करूँगा कि नहीं, बट स्टिल मुझे ये अच्छा लगा, लाइक साउंड वगैरह सब अच्छा है, वायरलेस कनेक्टिविटी में भी कोई दिक्कत नहीं है। बोट ने काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट दिया है, बट अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो आप वेट कर लीजिए और बोट रॉकर्स 550 को ही ले लीजिएगा, क्योंकि प्राइस दोनों का सेम है एंड उसमें थोड़ा ज़्यादा स्पेसिफिकेशन है, लाइक उसका बैटरी 500 का है एंड उसका अराउंड ऑडियो क्वालिटी भी बहुत अच्छा है, ड्राइवर्स भी 50 mm का है। और अगर आपको अभी के लिए चाहिए, लाइक वर्क फ्रॉम होम हो चल रहा है, तो अगर जिसको अभी के लिए चाहिए तो आप ये वाला ले सकते हैं, लाइक ये इतना भी ख़राब नहीं है, यू कैन कंसिडर इट। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा देन चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड प्लीज़ मुझे मोटिवेट कीजिएगा, ताकि मैं और नया वीडियो ला सकूँ। धन्यवाद।